नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपकी हिंदी कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 11। और पाठ संख्या 11 का शीर्षक है बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें दी हुई है चित्र पर आधारित गतिविधि। क्या आपको पता है बच्चे संभालना संसार के कठिन कामों में से एक माना जाता है। एक बार एक राजा ने तय किया कि वह अपने नन्हे राजकुमार को कभी रोने नहीं देगा, उसकी हर ज़रूरत पूरी करेगा। एक दिन राजकुमार ने हाथी देखा। उसने हाथी अपने कमरे में ले जाकर रखने की जिद पकड़ ली। राजा ने पूछा, इतना बड़ा हाथी कमरे में कैसे ले जाएंगे। नन्हा राजकुमार दौड़कर एक लोटा ले आया और हाथी को लोटे में डालकर ले चलने की जिद करने लगा। राजा चाहकर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे थे। राजकुमार रोए जा रहा था। राजा के मुख से निकल गया, बच्चे संभालना बहुत कठिन काम है। अब समझे, माता पिता, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग और बच्चों को संभालने वाले कामों से जुड़े अन्य लोग कितनी मेहनत का काम करते हैं। प्रस्तुत कहानी के पात्र बल्लू दादा तो सारे जंगल के बच्चों को संभालते हैं, इसीलिए तो सारा जंगल उनका ख्याल रखता है। आइए जानते हैं कि कैसे बल्लू दादा बच्चों को संभालते थे। तो पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बल्लू दादा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वह सबको खुश रखते थे और इसी प्रेम के कारण सभी ने उनकी सहायता किस प्रकार की। तो आइए शुरू करते हैं। बल्लू दादा पर सभी जानवरों का इतना ज़्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे। बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। नदी के किनारे ही तो था उनका घर। सारा दिन वे बच्चों को ऐसे ध्यान से रखते जैसे वह खुद उनके ही बच्चे हों। कभी कभार उधम मचाते, बच्चों को डांटना भी पड़ता तो प्यार से। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते। वे बच्चों के साथ बच्चे की तरह ही हो जाते। शाम को नदी के पास सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर कर उन पर फव्वारे की तरह पानी छोड़ते। सब बच्चे खूब हा हा हू हू करते और मौज मनाते। वे कहते जाते, और बल्लू दादा, और बल्लू दादा। बल्लू दादा भी जब तक थक कर चूर ना हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर बच्चों को घर ले जाते। अब तो बच्चों का यह हाल है कि जिस दिन माँ बाप काम पर ना भी जाएं, उस दिन भी वे बल्लू दादा के पास पहुँच जाते। जंगल में नदी किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा बहुत ही सुखी था। जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भरकर नहला रहे थे तो वहाँ कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डरकर इधर उधर दुबक गए, पर वे बल्लू दादा को पकड़कर ले गए। बच्चे खूब रोए, लेकिन शिकारी तो उनके प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर ही ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने दुख सुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं। हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा। ठीक है, अब हमें यह सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है।
सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहां ले जाया गया है, मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। मुझे मालूम है, उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हांफते हुए कहा। कहां है, सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठा उठा कर अचरज से पूछा। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी तो क्या देखती हूँ कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज़ लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत, मैं आपके साथ साथ उड़कर जगह देख लूँगी। जहाँ तुम्हें ये ले जा रहे हैं तुम आराम से चले चलो, ताकि ये तुम्हें मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूंगी, हम अपनी जान पर खेलकर भी आपको छुड़ाएंगे। अब मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहाँ हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है। वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। शाबाश, मंत्री खरगोश ने चील की पीठ थपथपाकर कहा। बाकी जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों ने जोश में आकर कहा, चलो अभी चलते हैं और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ा कर लाते हैं। बल्लू दादा की जय। शांत शांत, मंत्री खरगोश ने थोड़ा डांटते हुए सबसे कहा, तुम जानवरों की बस यही आदत मुझे पसंद नहीं है, ना सोचा ना समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर लिया। बुद्धिमान हमेशा सोच समझ कर ही काम करते हैं। शत्रु को कभी भी कमज़ोर और बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे हमारा नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना होगा। तो हम क्या करें, हमारे बल्लू दादा पर ना जाने वहाँ क्या बीत रही होगी। जल्दी से बताओ हम क्या करें, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, सभी जानवरों ने मंत्री खरगोश से कहा। आप लोग आज की रात इस समस्या पर सोचें, मैं भी सोचूंगा। अब आप अपने अपने घर जाइए, कल सुबह हम सब फिर इसी जगह मिलेंगे, तभी बल्लू दादा को छुड़ाने की तरकीब तय की जाएगी, खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा। वाह वाह, क्या बात कही है मंत्री जी, क्या हमें रात भर चैन आ सकेगा, और हमारे बल्लू दादा को जो रात भर कष्ट सहना पड़ेगा उसका क्या होगा। मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए, हिनू बंदर ने अपने हाथ हिला हिला कर कहा। हाँ हाँ, सभी जानवरों ने भी अपने हाथ हिला हिला कर कहा। देखो मुझे गलत मत समझो, मुझे भी बल्लू दादा की कम चिंता नहीं है, हर काम का एक तरीका होता है। मैं फिर यही कहूँगा कि पहले कुछ सोचो समझो, मुझे भी सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, मंत्री खरगोश ने कहा। सभी जानवरों को मंत्री खरगोश की बात माननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने अपने घरों की ओर चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा, बल्लू दादा जहां कैद हैं वह जगह कैसी है। बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारी में बंद किया हुआ है, छत नहीं है, एक जगह बस बड़ा सा दरवाज़ा है, वह बंद है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता, ऊंची ऊंची दीवारों को तो वे फांद नहीं सकते, चील ने भी बताया। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर पूछा, क्या वहाँ केवल बल्लू दादा है या और भी जानवर हैं। मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था। हाँ, उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा था। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, खरगोश ने कहा।
मंत्री खरगोश रात भर सोचते रहे, नींद उनकी आंखों में जरा भी नहीं थी। सुबह होते ही वे सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए थे। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों पर एक नज़र घुमाई और पूछा, तुमने कुछ सोचा? सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों से तो यह लग रहा था कि वे रात भर नहीं सोए हैं, लेकिन यह भी लग रहा था कि उन्हें कुछ सूझा नहीं था। तभी खरगोश ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। क्या? सभी जानवरों ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा। तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है, यानी हम सब के हाथ में है। जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें बल्लू दादा को छुड़ाकर लाने में सफलता मिलेगी, मंत्री खरगोश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। आप तरकीब तो बताइए, जानवरों ने उत्सुकता के साथ कहा। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी और यह भी समझा दिया कि इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को साथ लेकर उस जगह गए जहां बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवारों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई। उसने बल्लू दादा के कान में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने खरगोश की सूझबूझ की खूब सराहना की। इधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दरवाजे बंद हैं और दो आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील को लेकर नदी किनारे वापस आ गए। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहां पहुंच गए। उन्होंने उनसे कहा कि दीवारों के नीचे सुरंगें बना डाले ताकि अंदर जाने का रास्ता आसान हो जाए। सभी चूहे मन लगाकर इस काम में जुट गए और देखते देखते बहुत से बिल खोदकर सुरंगें बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश के पास जंगल में लौट आए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िये और बहुत से चूहे लेकर फिर वहां पहुंच गए। भेड़ियों को खरगोश ने दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में छिप जाने को कहा और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर छिपकर बैठ जाने का आदेश दिया। उन्हें यह भी समझा दिया कि वक्त आने पर क्या करना है। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रस्से कुतर डालने को कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए क्योंकि उन्होंने सुरंग बना ली थी और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काटकर बाहर निकल आए। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया, वे चार दीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से एक दो गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हों। जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते हुए देखा तो वे असमंजस में पड़ गए। गिद्ध तो लाश पर ही मंडराते हैं। उनमें से एक ने सुराख में से देखा तो पाया कि हाथी मरा पड़ा है। उसने झट दूसरे को बताया। दूसरे ने भी देखा कि हाथी पर दो गिद्ध भी बैठे हुए हैं। वे दोनों घबरा गए। वे तुरंत भागे भागे पास ही के बंगले में गए और उन्होंने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक झट उनके साथ वहां आ पहुंचा। उसने भी सुराख से झांका तो यकीन हो गया कि हाथी मर गया है। तुरंत दरवाज़ा खोला गया। वे तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज़ निकाली। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाज़ा खुल गया है। उन्होंने धीरे धीरे अधमुंदी आँखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ बातों में लीन हैं। वे अचानक उठे और खुले हुए दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। हक्के बक्के आदमी बंदूक तान कर उनकी ओर लपके, लेकिन तभी भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उठाकर रेत का बगुला बना दिया।
आदमी अपनी आंखों ही मलते रह गए। बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकें छीन छीन कर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों में छिपा दी। जब मंत्री खरगोश को यह विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने इशारा किया। सभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी किनारे पहुंच गए। बल्लू दादा को फिर से अपने बीच देखकर सभी जानवर और उनके बच्चे बहुत खुश थे। बच्चे उन्हें छोड़ते ही नहीं थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ की भी उन्होंने खूब प्रशंसा की। खरगोश के ही कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा भी बदल लिया। जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे, तो खरगोश ने बस इतना ही कहा, हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहते रहें और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहें, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं दिविक रमेश। आगे चलते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में भी हैं हमारे लिए कठिन शब्द, जो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। सुपुर्द, ऊधम, सीख, कस्बा, सम्मिलित, शिकारी, दुबक, क्रोध, विशाल, मंत्री, आदेश, गिद्धों, असमंजस, अधमुंदी, प्रशंसा। और यहाँ दिए हुए हैं शब्द अर्थ, ठीक है। सुपुर्द कर का अर्थ है सौंप कर, दृढ़ता, मजबूती। ऊधम मचाते, शोर मचाना, कामयाब, सफलता। थक कर चूर, बहुत थकना। उत्सुकता, उत्सुक होने का भाव या बेचैनी। कस्बा, छोटा शहर। प्रचार, जनता में किसी बात को फैलाना। सम्मिलित, मिला हुआ। दुबक, छिपना। जांच पड़ताल, परखना। जोखिम, खतरा या मुसीबत। कुतरना, काटना। कैद, बंधन, कारावास। असमंजस, उलझन। चहार दीवारी, किसी मकान या स्थान के चारों ओर बनाई जाने वाली ऊंची दीवार। सुराख, छेद, यकीन, विश्वास। आगे चलते हैं। अब आ गया है अभ्यास कार्य, और ये बताना है हमने, बताओ क्या पढ़ा। सभी जानवर उदास क्यों हो गए थे? सभी जानवर इसीलिए उदास हो गए थे क्योंकि उनके प्यारे बल्लू दादा को शिकारी पकड़कर ले गए थे। मंत्री खरगोश ने क्यों कहा कि तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है? मंत्री खरगोश ने यह इसीलिए कहा क्योंकि यह तरकीब सबके सहयोग और एकता से ही सफल हो सकती थी। क्या आप भी बल्लू दादा की तरह अपने आसपास के लोगों की मदद करते हैं? चलिए, अब इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। नंबर 2 पर है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। शाम को बच्चों को अपने घर ले जाते समय जानवर बल्लू दादा को क्या देते थे? मिठाई देते थे, उपहार देते थे, धन्यवाद देते थे या धन देते थे? तो वो धन्यवाद देते थे। बल्लू दादा को जंगल से छुड़ाने की तरकीब किसने बनाई थी? खरगोश ने। जानवरों ने कहाँ पर सभा की? बरगद के नीचे। चूहों ने बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या काम किया? सुरंगे बनाई। अब यहाँ पर है बच्चों, किसने किससे कहा? तो ये यहाँ पर कथन है, हमें बताना है किसने किससे कहा। कब? मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। तो ये बंदर ने किससे कहा? खरगोश से, ठीक है। हम अपनी जान पर खेल कर भी आपको छुड़ाएंगे, ये चील ने कहा बल्लू दादा से, ठीक है। चलिए, बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर ही काम करते हैं, खरगोश ने कहा। ये किससे कहा? जानवरों से। बल्लू दादा को बड़ी बड़ी चार दीवारी में बंद किया हुआ है,
चील ने कहा ये किसको बताया? जानवरों से। मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था, ये चील। चील ने बताया ये किसको? खरगोश को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। वाक्य के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। बल्लू दादा को बच्चे बहुत पसंद थे, बिल्कुल सही। कस्बा नदी के किनारे था, बिल्कुल सही। जानवरों को शिकारियों पर दया आ गई, गलत। भेड़िया कस्बे का मंत्री था, नहीं। खरगोश कस्बे का मंत्री था। सभी जानवरों ने मिलकर सुरंग बनाई, नहीं। चूहों ने सुरंग बनाई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। सभी जानवर बच्चे बल्लू दादा को क्यों पसंद करते थे? क्योंकि सभी जानवर बच्चे बल्लू दादा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि बल्लू दादा बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उनके साथ उनके खेल में बच्चे ही बन जाते थे। उन्हें कभी डांटते नहीं थे और अगर डांटना भी पड़े तो प्यार से समझाते थे। खरगोश ने शिकारियों पर तुरंत हमला करने के लिए क्यों मना किया? खरगोश ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसने कहा कि हमें सूझबूझ से ही कोई कार्य करना चाहिए जिससे ना तो बल्लू दादा के जीवन पर कोई संकट आए और ना ही हमें कोई नुकसान हो। बल्लू दादा को कैद में कहाँ और कैसे रखा गया था? बल्लू दादा को एक बंद कमरे में चार दीवारी में रखा गया था जहाँ छत नहीं थी। उनको मोटे मोटे रस्सों से बांधा गया था। बल्लू दादा को कैसे छुड़ाया गया? बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए खरगोश ने एक तरकीब बनाई। उसने उस चार दीवारी के चारों ओर चूहों से सुरंगें बनवाई और चील ने जाकर बल्लू दादा को खरगोश की सारी तरकीब बता दी। उसके बाद खरगोश भेड़िया बंदर चूहे और गिद्ध आदि को लेकर वहाँ गया जहाँ बल्लू दादा को रखा गया था। चूहों ने अंदर जाकर बल्लू दादा के रस्से काट दिए, ठीक है, और गिद्ध आकर ऊपर मंडराने लगे और बल्लू दादा के ऊपर बैठ गए। जब शिकारियों को ये यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और उसे देखने के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसी समय बल्लू दादा तेज़ी से उठकर जंगल की ओर भाग पड़े। जैसे ही शिकारियों ने अपनी बंदूक से निशाना साधा, वैसे ही भेड़ियों ने अपनी पिछली टांगों से रेत उछालकर एक रेत का बगुला बना दिया जिससे शिकारी अपनी आंखें मलते रह गए। और इस बीच बंदरों ने आकर उनसे उनकी हथियार छीनकर पेड़ की ऊंची टहनियों में छुपा दिए। इस प्रकार बल्लू दादा को छुड़ाया गया। कस्बे के जानवरों ने अपने रहने का स्थान क्यों बदल दिया था? कस्बे के जानवरों ने अपने रहने का स्थान इसीलिए बदल दिया था क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता था कि वहाँ पर खतरा है क्योंकि शिकारियों ने वह जगह देख ली थी। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें सीख तो यही मिलती है कि हमें एक साथ मिलजुल कर सूझबूझ से रहना चाहिए ताकि हम किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर पाएं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।